हेलो दोस्तों, सनम बुटीक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस सूट की कटिंग करना सिखाऊंगी। तो पहले हम कपड़े को खोल लेंगे। ये कपड़ा हमारा एक साइज ज्वाइंट है। तो सबसे पहले देखो इसकी लंबाई का नाप लेंगे हम, इनकी लंबाई कितनी है। लंबाई हमें इनकी 44 तैयार रखनी है। गला हमारा यहाँ तक ही आएगा, तो इसको नाप के देखेंगे कितना लंबा है। देखो इसकी जो लंबाई है 46 हाफ इंच है, हमें 44 चाहिए। तो हमें ये नीचे वाला बॉर्डर खोलना पड़ेगा, क्योंकि हम ऊपर से भी कट नहीं कर सकते और नीचे से ये बॉर्डर को ही अलग कर सकते हैं। तो पहले हम इस बॉर्डर को अलग कर लेंगे। इसके बॉर्डर को देखो हमने अलग कर दिया है। इस बॉर्डर को हम बाजू के ऊपर यूज करेंगे, तो इसको हम साइड रख देते हैं। कपड़े को हम देखो उल्टा करके ही कटिंग करेंगे। पहले इसका हम बीच सेंटर निकालेंगे। तो गले को देखो हम बीच से पकड़ेंगे, यहां से इसका बीच है, तो यहाँ बीच से ही हम इसको ऐसे पकड़ेंगे और फोल्ड कर देंगे। कपड़े को देखो हमने ऐसे फोल्ड कर दिया है। खुला वाला भाग इस तरफ है, बंद वाला भाग इस तरफ है, और कपड़े को हमने उल्टा करके रखा है। तो पहले इसका नाप समझेंगे। शोल्डर है 49, चेस्ट है 37, कमर 34, हिप 42, टोटल लंबाई हम 44 तैयार रखेंगे। आर्म होल 17.5, पीछे का गला हम 8 इंच रखेंगे। आगे का जो हमारा इसमें है वही रखेंगे। बाजू की लंबाई 18 इंच और गोलाई 11 इंच। इसी मेजरमेंट पे हम कट करेंगे। अभी देखो जो इसका गला है ये 6 इंच तैयार है, तो हमें ये 6 इंच चाहिए। तो हम हाफ इंच बढ़ा के एक निशान लगा देंगे इधर। वैसे इस साइज में जो हम गला बनाएंगे वो 7 इंच आप तैयार रख सकते हो। और यहाँ से इंच टेप को ऐसे रखेंगे, 6.5 इंच पे इनके आर्म होल का निशान लगाएंगे, 14.5 पे इधर कमर का निशान लगाएंगे, जो हिप खोलेंगे हम 21 पे खोलेंगे, हाफ इंच बढ़ा के हिप का निशान लगा देंगे। और एक निशान हम बस्ट पॉइंट का लगाएंगे, वो लगाएंगे हम 10 इंच पे। सभी निशानों को सीधा कर देंगे। यहां से इंच टेप को हम ऐसे रखेंगे, इसकी लंबाई का निशान लगा देंगे। लंबाई हमारी 44 है, तो देखो ये जो बॉर्डर है हम इसके बराबर रख देंगे। इसकी लंबाई हो जाएगी हाफ इंच, हल्का सा एक्स्ट्रा है तो इसको हम रख लेंगे, ठीक है। और ये जो एक्स्ट्रा होगा ये हम तुरपाई फोल्ड में दे देंगे। एक्स्ट्रा ये हमारा 1.25 इंच है, आप 2 से 2.5 इंच इसको रख सकते हो। अभी देखो चेस्ट है 37, 37 का जो चौथा भाग करके हम निकालेंगे तो 1.25 इंच पे आएगा। 1.25 इंच पे एक निशान लगा देंगे। सेम निशान हम इधर भी हम 1.25 इंच पे ही लगाएंगे। कमर है 34, 34 का जो चौथा भाग करेंगे तो आएगा 8.5, तो 8.5 पे हम निशान लगा देंगे, 8.5। हिप है 42, 42 का चौथा भाग करके निकालेंगे तो हमारा आएगा 10.5, तो 10.5 पे निशान लगा देंगे। घेरा जो हम रखेंगे वो सेम ही रखेंगे, घेरे पे भी हम 10.5 ही रखेंगे, क्योंकि घेरा एकदम स्ट्रेट करके रखेंगे। अभी इस निशान को हम इस निशान से मिला देंगे। और यहाँ पे हम 2 इंच तुरपाई फोल्ड के लिए एक्स्ट्रा रख देंगे। इसको भी सीधा कर देंगे। ये हमारे नीचे के निशान कंप्लीट हो गए। और ये ऊपर वाले निशान भी देखो एक दूसरे से ऐसे मिला देंगे। ये तो ये हम एक्स्ट्रा मार्जिन रख देंगे। और इनका जो हम फ्रंट रखेंगे 5.5 से 1 पॉइंट ज्यादा रखेंगे। शोल्डर जो हम रखेंगे वो 5 इंच रखेंगे, क्योंकि बैक का गला हमारा 8 इंच खुलेगा। इस निशान को हम इस निशान से ऐसे मिला देंगे।
इधर आरमोल की शेप दे देंगे। यहां से हम हाफ इंच कंधी डाउन कर देंगे और गले की जो ब्रॉड है हम सेम रखेंगे, क्योंकि ये हमारे कस्टमर की डिमांड है, क्योंकि उनको गला चौड़ा चाहिए, गहरा कम चाहिए, तो इतना ही रखेंगे। अभी हम इसकी आर्महोल को नाप के देखते हैं। ये देखो हमारी आर्महोल थोड़ी कम आ रही है। अभी देखो इसकी आर्महोल को हम थोड़ा नीचे उतार के फिर से नापेंगे, यहां से सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए नापेंगे। ये आर्महोल हमारी देखो 9.5 इंच, ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसको हम कट कर लेंगे। ये हमारा सामने का हिस्सा कट हो गया, अब हम इसका पीछे का हिस्सा कट करेंगे। ये बैक हिस्से के लिए भी देखो हमने एक साइड से कपड़े को फोल्ड किया है। ये उल्टा हिस्सा हमारा ऊपर की तरफ है, बंद वाला भाग इस तरफ है, खुला वाला भाग इस तरफ है। अभी सामने वाले हिस्से को लेंगे और इसके ऊपर बिछा देंगे। ये देखो हमारा यहाँ तक कटिंग है, तो इधर एक निशान लगा लेंगे। देखो ये सामने वाले हिस्से को हमने इसके ऊपर में ऐसे बिछा दिया है। यहां से देखो हमारा ये 1 इंच आ रहा है, तो 1 इंच हम इधर भी रख देंगे और पीछे वाला हिस्सा हम 1/2 इंच उठा के कट करेंगे। इस निशान को हम इस निशान से मिला देंगे, यहां आर्महोल की शेप देंगे, इधर फिटिंग पे भी एक निशान लगा देंगे। अभी इसको सेम कट कर लेंगे। यहां पे हम एक कट लगा देंगे, यहाँ पे भी एक कट लगाएंगे। और इधर फिटिंग का भी एक कट लगा देंगे। ये हमारे दोनों हिस्से कट हो गए। गला हम जो बनाएंगे वो बुकरम पे बनाएंगे, अभी कट नहीं करेंगे इसको, लेकिन बैक वाले पे हम निशान लगा लेते हैं। पीछे का गला हमारा 8 इंच है, तो 1/2 इंच बढ़ा के एक निशान लगाएंगे। इसको हम 3 इंच रखेंगे और यहाँ तो देखो हमारा फिक्स गला आएगा, तो थोड़ा हम इसको यहाँ पे निशान लगाएंगे। पट्टी लगने के बाद हमारा यहाँ पे आ जाएगा, इस पे भी हम बुकरम ही लगाएंगे। आप इसके ऊपर पट्टी भी लगा सकते हो, आपको जो चाहे वो गले की शेप दे सकते हो। अब इसकी बाजू कट करेंगे। ये हमारा बाजू के लिए कपड़ा है, कपड़े को हमने ऐसे डबल करके रखा है। अब इसको हम 4 फोल्ड कर देंगे। अभी देखो यहां से हमारा ज्यादा मार्जिन तो नहीं है, 1/2 इंच तक का मार्जिन है। आप 1/2 से 1 इंच या 1.5 इंच भी आप एक्स्ट्रा रख सकते हो इसको। अभी यहां से देखो हम एक सीधा निशान लगा देंगे, ये छोटा बड़ा होगा, ये हमारा एक बराबर हो जाएगा। बाजू की जो लंबाई है हमारी 18 इंच है, तो 1/2 इंच हम बढ़ा के निशान लगाएंगे, जो हमारा इधर सिलाई में जाएगा। निशान को हम ऐसे सीधा कर देंगे। नीचे हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि नीचे हम वो बॉर्डर पट्टी अटैच करेंगे इधर, तो उसके लिए हमें 1/2 इंच मार्जिन ही चाहिए। यहाँ से हम 4.25 इंच रख देंगे।
यहाँ से हम 8 इंच रखेंगे, 8 इंच। तो देखो हमारा 1 इंच ही मार्जिन बच रहा है। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा हो तो आप 1.5 इंच तक का मार्जिन रखें। यहाँ से भी हम 4.25 इंच ऐसे रख लेंगे, रीस निशान को ऐसे मिला देंगे। मोहरी जो रखेंगे हम 11 इंच रखेंगे तैयार। तो 5.5 पे हम निशान लगा देंगे। यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे और ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन हो गया। अब इसको कट कर देंगे। अभी देखो इसको हम ऐसे खोल लेंगे और हल्का सा ये वाला कम है एक हिस्सा, तो इधर भी हमारा एक ज्वाइंट लगेगा। और सामने वाला जो पार्ट है उसमें हम 1/2 इंच ऐसे कट कर देंगे। यहाँ पे हम एक कट लगा देंगे। बाजू भी कटिंग हो गई है। ये हमारे पास ये वाला कपड़ा बचा है, इसको हम गला बनाने में यूज़ करेंगे। तो सूट की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई। वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना।